सैनिक भाइयों, जय हिंद। सैनिक भाइयों, हम एक सर्विस मैन के जो डिपेंडेंट होते हैं, बच्चे और पेरेंट्स, उनके जो ECHS कार्ड होते हैं, वो उनकी साल में एक बार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, और नहीं किया तो कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं। फिर आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो कार्ड 24 आवर्स से पहले एक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए कैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना है, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करूंगा। एलिजिबिलिटी के लिए साथियों, स्टेट गवर्नमेंट का इनकम सर्टिफिकेट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म 26AS अपलोड करना होता है, और इनकम टैक्स की वेबसाइट से फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करना है, और ECHS की वेबसाइट में अपने डिपेंडेंट के ECHS स्मार्ट कार्ड को कैसे एक्टिव रखने के लिए उसमें डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, इस वीडियो में मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ऐसे ही टेक्निकल जानकारी के वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और जानकारी दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे फॉर्म 26AS डाउनलोड करना और ECHS की वेबसाइट में कैसे अपलोड करना है। दोस्तों, आपके ब्राउज़र में ECHS लिखना, और जो ECHS ऑनलाइन 64KB स्मार्ट कार्ड का जो वेबसाइट है, इसको क्लिक करना। आपको ऐसा एक मैसेज दिखाएगा, उसको ओके कर देना है, और यहाँ पे आपको लॉगिन होने के लिए ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपने आपका जो मोबाइल नंबर, यूजर आईडी होता है, और पासवर्ड जो आपने बना रखा है, इसको इंटर करके नीचे कैप्चा इंटर करना, और लॉगिन जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उससे पहले कुछ मैसेज दिखाता है इसमें, जो भी कंपलसरी, तो दो मेरे दो बच्चों के जो कार्ड ब्लॉक थे, मैं ECHS में जाके उनको एक्टिवेट करा के आया हूँ। अब देखेंगे इसमें मैं अपने लड़के का कार्ड को, ये फॉर्म 26AS जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसको अपलोड करना है। तो इसमें यहाँ पे जहाँ पे क्लिक टू अपलोड लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। जहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है फॉर्म 26AS, वहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है, और जहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पैन कार्ड डाल दीजिए, और स्पेस दे के फॉर्म 26AS, और स्पेस दे के फाइनेंशियल ईयर्स लिख देना है, और सेम कॉपी कर सकते हैं आप, और उसको नीचे वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सेम लिखना है, लेकिन इसका फाइनेंशियल ईयर्स आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 21-22 को यहाँ पे 22-23 करना है, और इसके लिए भी आपने जो फॉर्म 26AS जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, वहाँ पे क्लिक टू अपलोड के लिए क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने अभी अभी डाउनलोड किया था, तो ये ऊपर ही है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इसको आपने टिक करना है। आई एग्री लिखा हुआ है, इसको टिक कर देना है, और राइट साइड में जहाँ पे सेव डिटेल लिखा है, इसको क्लिक कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, और कुछ मैसेज इस तरह दिखाएगा, आपने इसको पढ़ लेना है। अब आपका जो ECHS बेनिफिशरी का पोर्टल जो दिखाएगा, उसमें जो मैंने बच्चे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए है, तो उसका भी अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अपडेट का मैसेज नहीं दिख रहा है, और नो एक्शन रिक्वायर्ड लिख के आ गया है। अब मैं अपने दूसरे बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा। तो इसका फॉर्म 26AS मैंने 2022-23 का डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो मैं अब आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे इसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। आपने वेब ब्राउज़र में incometax.gov.in टाइप करना है। ये फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स ये वेबसाइट लिख के आएगा, और यहाँ पे आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए जो यूजर आईडी होता है, वो आपका पैन कार्ड होता है, और जो पासवर्ड, इसको आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। प्लीज कंफर्म का एक बॉक्स है, उसको क्लिक करना है, और रजिस्टर होते समय आपने जो पासवर्ड बनाया उसको यहाँ पे इंटर करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका पोर्टल खुल जाएगा। पेज के सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको तीन डॉट दिखाई देगा, सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो तीन डॉट दिखाई देता है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज जो खुल के आएगा, ये कई सारे मेनू आते हैं, तो ऊपर ही जहाँ पे ई फाइल लिखा हुआ है,
यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो ऊपर लिखा हुआ है ये खुल के आएगा, इसको क्लिक करना है। तो चौथे लाइन पे आपको लिखा हुआ है व्यू फॉर्म 26AS, इसको क्लिक करना है और ये कंफर्म का एक मैसेज आ रहा है, इसको कंफर्म कर देना है। तो आपका जो फॉर्म 26AS का पेज ओपन हो जाता है। नीचे जहाँ पे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है आई एग्री का, यहाँ पे टिक कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। ऊपर जो ब्लू लाइन दिख रहे हैं आपको फॉर्म 26AS, ये जो लिखा हुआ ब्लू लाइन दिख रहा है इसको क्लिक करें। ये ब्लू लाइन को जहाँ पे लिखा हुआ 26AS इसको क्लिक करना है तो आपका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करें। आपको फाइनेंशियल ईयर अगर 22-23 को फॉर्म डाउनलोड करना है तो आपने असेसमेंट ईयर 23-24 को आपने टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है तब आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का फॉर्म डाउनलोड होगा। मैंने 22-23 सेलेक्ट कर लिया है। नीचे जो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इसमें फाइल का टाइप सेलेक्ट करना है तो HTML टाइप का सेलेक्ट करना है और जहाँ व्यू डाउनलोड लिखा है उसको क्लिक करें तो आपको वो फॉर्म सामने दिखाई देगा। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपका फॉर्म 26AS दिखाई देगा और साथ ही एक्सपोर्ट एज PDF लिखा हुआ उस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे के डाउनलोड पे ये आपका फॉर्म 26AS डाउनलोड हो जाएगा। इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको ECHS की वेबसाइट में अपलोड करना है। सेम पहले की तरह आपके वेब ब्राउजर में टाइप करना है ECHS, जो ECHS ऑनलाइन 64KB स्मार्ट कार्ड का जो वेबसाइट है इसको क्लिक करें। तो ये जो कुछ मैसेज आ रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि मार्च 2023 तक आपने सबमिट करना था, तो जहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू लॉगिन यहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यूजर आईडी और आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है वो पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है नीचे और उसके बाद लॉगिन हो जाना है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ECHS की वेबसाइट में आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कोई मैसेज आ रहा है उसको ओके कर देना है। ये कार्ड जो है एक एक्टिव हो गया, दूसरा अभी एक्टिव बाकी है, इसको अब अपडेट करना है। तो इसमें अभी फॉर्म 26AS अपलोड करना है तो चलो इसको क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा मैसेज आता है, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे पान अवेलेबिलिटी का हमें, तो जहाँ पे लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट पान अवेलेबिलिटी, यहाँ पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म 26AS सेलेक्ट करें तो आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया। 21-22 और 22-23 का यहाँ पे अपलोड करना है। जहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है और क्लिक टू अपलोड के लिए क्लिक करें और आप फाइल यहाँ पे जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 21-22 की फाइल यहाँ से ले लूँगा। तो ये देखो यहाँ पे फाइल सिलेक्ट होके आ गई। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है तो पैन कार्ड नंबर डाल दो, स्पेस दे के फॉर्म 26AS स्पेस 2021-22 ऐसे लिख देना है और सेम नीचे भी अगले फाइनेंशियल ईयर का डॉक्यूमेंट फॉर्म 26AS सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट नंबर को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बट इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा। और क्लिक टू अपलोड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने फाइल जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है वहाँ से फाइल चूज करना है। तो मैंने अभी डाउनलोड किया तो ये ऊपर ही फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और नीचे जो आई एग्री का डिक्लेरेशन है इसको टिक करना है। ये दो जगह पे आई एग्री का डिक्लेरेशन टिक करना है। राइट साइड में जो लिखा हुआ है सेव डिटेल, इसको राइट साइड में जो सेव डिटेल लिखा हुआ है ब्लू कलर का इसको क्लिक करना है। आपका ये सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है और अब आप जो है आप देख सकते हैं कि आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड लिखा हुआ रहेगा, कोई अपडेट का मैसेज नहीं आएगा और ये कार्ड आपके एक साल के लिए अब एक्टिव हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो मैंने दोनों बच्चों के फॉर्म 26AS अपलोड किया है, कार्ड एक्टिव हो गए हैं।
और आप जो है 1 साल तक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और 1 साल होने से पहले इस वेबसाइट में आप चेक करते रहें कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का रिक्वायरमेंट कब है, इसमें मैसेज दिखाएगा। साथियों, आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, दोस्तों में जानकारी शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।